अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फरहीन कुकिंग्स फॉर यू यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी दाल फ्राई की रेसिपी, जो कि बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़े की बनती है। तो फिर चलिए देखते हैं ये मैंने दाल फ्राई कैसे बनाई है और इसे बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस लाल सब्सक्राइब के बटन को दबाएँ और घंटे के निशान को दबाकर ऑल पर क्लिक करने से आप मेरी वीडियो सबसे पहले फ्री में देख सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो थम्स अप ज़रूर दें। तुअर दाल लिए मैंने 200 ग्राम, कटी हुई प्याज लेंगे हम दो मीडियम साइज़ की, कटे हुए टमाटर लेंगे हम दो मीडियम साइज़ के, 10 से 12 कड़ी पत्ते की लीव्स लेंगे हम, अदरक लहसुन का पेस्ट लेंगे हम 1 टेबल स्पून, बारीक कटा हुआ हरा धनिया लेंगे हम, 4 हरी मिर्च लेंगे हम बारीक कटी हुई, गरम मसाला पाउडर लेंगे हम 1 टी स्पून, रेड चिली पाउडर लेंगे हम 1 टी स्पून, नमक लेंगे हम हसबे ज़रूरत, हल्दी लेंगे हम 1/2 टी स्पून। तो ये चीज़ें चाहिए हमें दाल फ्राई बनाने के लिए। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। दाल को मैंने 2 से 3 बार अच्छी तरह से धो लिया है, तो अब हम इसको डाल देते हैं कुकर में और फिर इसमें हम ये 2 ग्लास के करीब पानी ऐड कर देंगे। ये हल्दी भी हम इसमें ऐड कर देंगे और थोड़ी सी हम बचा लेंगे। अब हम कुकर की लीड बंद करेंगे और इसे हम 4 सीटी आने तक पका लेंगे। तो देखिए, दाल को मैंने 4 सीटी आने तक पका लिया है। अब हम इसे थोड़ा सा स्मूथ कर लेंगे। मैं ये ब्लेंडर की मदद से इसे स्मूथ कर रही हूँ। आपके पास अगर ये नहीं है तो आप इसे दाल घुटनी से भी स्मूथ कर सकते हैं। तो बस इतना ही हम इसे चलाएंगे। तो ये जो दाल है वो अच्छी तरह से स्मूथ हो चुकी है। तो अब हम आगे की प्रोसेस करते हैं। तो चूल्हे पर हम कढ़ाई चढ़ा लेंगे और इसमें ये 3 टेबल स्पून के करीब तेल इसमें ऐड करेंगे। तेल को हम अच्छे से गर्म होने देंगे। तेल जब अच्छे से गर्म हो जाएगा तो हम इसमें ज़ीरा ऐड करेंगे। ज़ीरा मैं आपको पहले बताना भूल गई थी, तो ये ज़ीरा हम इसमें ऐड कर देते हैं। ज़ीरा जब हल्का सा भुन जाएगा तो हम इसमें ये कटी हुई प्याज ऐड कर देंगे। प्याज को हम हल्का सा गोल्डन होने देंगे। तो देखिए, प्याज हमारी लाइट गोल्डन ब्राउन हो चुकी है, तो हम इसमें ये कड़ी पत्ता ऐड कर देते हैं और ये हरी मिर्च भी हम इसमें ऐड कर देंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट भी हम इसमें ऐड कर देंगे और इसे हम अच्छे से भून लेंगे। तो देखिए, अब ये अदरक लहसुन का पेस्ट अच्छे से भून चुका है, तो हम इसमें ये टमाटर ऐड कर देते हैं। टमाटर ऐड करने के बाद हम इसमें ये नमक ऐड करेंगे, रेड चिली पाउडर ऐड करेंगे और जो हल्दी हमने बचा ली थी उसे भी हम इसमें ऐड कर देंगे और ये गरम मसाला भी हम इसमें ऐड कर देंगे और इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। गैस की फ्लेम को हम लो करेंगे और लो फ्लेम पर हम टमाटरों को अच्छे से सॉफ्ट कर लेंगे। अब हम इसकी लीड बंद कर देते हैं और लो फ्लेम पर हम टमाटर को अच्छे से सॉफ्ट होने तक कुक करेंगे। तो देखिए, अब ये जो टमाटर है वो अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुके हैं, तो हम इसमें ये दाल ऐड कर देंगे। तो देखिए, अगर आपको ये दाल की थिकनेस ज़्यादा लग रही है तो आप इसमें इस स्टेज पर थोड़ा सा पानी इसमें ऐड कर सकते हैं। तो दाल ऐड करने के बाद हम इसमें ये थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया ऐड करेंगे और थोड़ा सा हम बचा लेंगे गार्निशिंग के लिए। तो दाल को अब हम कुछ देर पका लेंगे।
तो देखिए दाल हमारी पक चुकी है, इसको हमने कुछ देर अच्छी तरह से पका लिया है। तो अब हम इसे ये सर्विंग बाउल में निकाल लेंगे। तो देखिए दाल मैंने सर्विंग बाउल में निकाल ली है। अब हम इसमें ये थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया डाल देंगे। तो लीजिए तैयार है हमारी दाल फ्राई। तो आप इसे प्लेन राइस के साथ या फिर ज़ीरा राइस के साथ सर्व कर सकते हैं। तो आप भी इस रेसिपी को ट्राई करें, और अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें फैमिली मेम्बर्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं किसी और रेसिपी के साथ, तब तक के लिए फरहीन को दीजिए इजाज़त, दुआओं में याद रखें, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़। आपने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इस बटन को दबाकर भी आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं।